कह पा रहा था वो है लवैत रसूल है जो बतूल के रिश्ता। आपने इतना बेसाख्ता कहा क्या कहने, तो लीजिए एक जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ। अहले बैत का तायुन करते वक्त रिश्ता रसूल का नहीं देखना, उसने कहा कफन व काफूर मिन जन्नत है। ये कहां सोचा है, महफिल मुकम्मल करने के लिए ये जन्नत का कफन है जन्नत का काफूर है। अल्लाह फरमाए कसम हो अला खमसत, इसके पांच टुकड़े करता हूँ, अल्लाह करे कभी ना रोना पड़े। परदेश में बैठ के उसे रोए जिसे पहले नहीं रो सके। बेटा आपकी जवानी सलामत हो, आपकी आंख से आंसू निकल आए, मुझे खुशी भी हुई आंसू देख के और ख्याल भी आया। आज 1400 साल के बाद इसका नाम सुन के आपकी आंख से आंसू निकल आए, उसकी बहन कातिलों से कहती रही मुझे एक बार भाई की लाश में मत दूं। आले मोहम्मद आपको तो खुश है, महफूस है जो बुजुर्ग बैठे उनकी बेटियों के पर्दे सलामत है, नसीब अच्छे हों बेटियों। दो ही जुमले महफिलें हैं, शाहजी ने कहा था एक आंसू चाहिए महफिल मुकम्मल करने के लिए। आज कफन व काफूर मिन जन्नत है, उसने कहा ये जन्नत का कफन है जन्नत का काफन। अल्लाह फरमाए कसम हो अला खमसत, इसके पांच टुकड़े हैं, हिस्सतुल लक एक टुकड़ा आपका, हिस्सतुल नैली एक टुकड़ा अली को दे, हिस्सतुल फातिमा एक टुकड़ा अकेली बेटी को दे। बस इतना ही पढ़ना था, अगर आपको समझ आ गया अगला जुमला शुरू हो जाएगा। कफन है काफूर है, उसके पांच टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा आप खुद रख लो, एक टुकड़ा अली को दे दो, एक टुकड़ा बतूल को दे दो, हिस्सा कैन लिल हसन दो टुकड़े हसन को दे दो। कभी ना रोए आपकी नस्ल सलाम। जी बेटा इस अंदाज में रो रहे हो आले मोहम्मद तुम पे रह गए। कफन और काफूर के पांच टुकड़े कर दे, एक खुद रख ले, एक अली को दे दे, एक बतूल को दे दे, दो हसन को दे। मौला आपको इज्जत अदा फरमाए कि मैं साल भर पाकिस्तान में जिक्र करता रहा किस अंदाज में, वहाँ एक आलिम दीन ने मेरी इज्जत की पजी आई कि आले मोहम्मद आपको इज्जत अदा फरमाए, खत्म हो गई मेरी नौकरी। अल्लाह के रसूल ने जिक्र का सदका बीबी आपको शिफा अदा फरमाए। अल्लाह के रसूल ने कफन और काफूर के पांच टुकड़े कर दिए, एक अपने पास रख लिया, एक अली को दे दिया, एक बतूल को दे दिया, दो हसन को दे दिया, कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। अली भाई मीसम प्लाजा कराची में ये जुमला गाया था मैंने, मुझे भूलता नहीं है, हजारों के इश्तवा ने जो मातम किया था, कफन भी खत्म काफूर भी खत्म। जैनब ने हुसैन को देखा, कफन भी खत्म, अल्लाह करे आप कभी ना रोए इस गम के, काफूर भी खत्म। जैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने बहन को देखा, एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू निकले। तड़पी मेरी शहजादी बाबा के करीब आई, कदमों पे हाथ रखे का बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ लगता। अजर को मन अल्लाह और मेरे बच्चे इशफाक को और आज नरीना मीर अब्बास को डॉक्टर सज्जाद को मौला और आज नरीना बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ लगता। अपने लिए रख लिया, मुझे दे दिया, अली को दे दिया, हसन को दो, हुसैन को एक। आहिस्ता से सर झुका के नबी ने कहा बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई हौसला दे, काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे। ना कोई तेरे बच्चे को हौसला देने वाला, ना कफन देने वाला, ना काफूर देने वाला, ना उठाने। बड़े आराम से कहा मैंने, बड़ी तसल्ली से सुना आपने, कयामत को लग गई बतूल के दिल पे। तो तेरे बच्चे को हौसला देने वाला, ना कफन देने वाला, ना काफूर देने वाला, ना जनाजा उठाने वाला।
और मेरे बच्चे सलमान मदारी को दावत तड़पी मेरी शहला बाबा की तरफ देख के अच्छे से कहे बाबा कभी कभी आप मेरे बच्चों को प्यार करते थे ना, हसन का मुंह चूमते थे, हुसैन की गर्दन चूमते, बीबी तेरा ये मातम कबूल फरमाए, बीबी तेरा ये मातम कबूल फरमाए। बाबा मैं समझती थी आप लाड कर रहे हैं मेरे बच्चों से, हसन का मुंह चूमना, हुसैन की गर्दन चूमना, मैं समझती थी लाड कर रहे। कभी कभी आप मेरे बच्चों को बुलाते थे तो फरमाते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, मैं समझती थी आप लाड फरमा रहे। अब आज मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, अमीर को दो दे दिए, गरीब को एक भी नहीं। अब मैं नहीं समझता कि शिया घर में कोई बंदा पैदा हुआ उसके सीने में गोश्त का दिल हो और वो इस जुमले में मातम न करे। छोटे से हुसैन ने मां के मुंह से सुना हसन अमीर हुसैन गरीब, घर के कोने में खड़े होकर इमामा उतार के रोने शुरू कर दिया, मैं गरीब हूँ मुझे कफन कोई नहीं दे, मैं गरीब हूँ मुझे गुस्ल कोई नहीं दे, मैं गरीब हूँ मेरा जनाजा कोई नहीं उठा। आप अभी घर में जाइएगा ना, अगर आपकी बहनें तशरीफ फरमाए हैं अपनी इज्जतदार बहनों से पूछिएगा, बहन मर जाती है अगर भाई खड़े होकर रो रहा हो, बस बर्दाश्त नहीं हुआ शाम की वर्का से भाई के करीब आई, हुसैन के दामन में हाथ लगा के कहा हुसैन आप रोए नहीं, ये सारे सरदार हैं हम दोनों गरीब हैं, इनमें कोई सैयद उल अंबिया है, कोई सैयद उल निसा है, कोई सैयद उल औलिया है, हुसैन तू भी गरीब है मैं भी गरीब हूँ, तो करबला का मुसाफिर है मैं शाम की कह दूँ। हुसैन रो ना, मैं तेरे साथ वादा करती हूँ जिस दिन तुझे कफन की जरूरत पड़ी ना और तेरे पास कफन ना हुआ मैं तुझे अपनी शहादत का कफन दूंगा, भैया मैं तुझे अपनी शहादत का कफन दे दूंगा। छोटे से हुसैन ने कहा जैनब दुआ मांग जिस दिन मेरे पास कफन ना हो अल्लाह करे तेरे पास चादर हो। किबला मुझे माफ कर दीजिएगा, रिजवी सादात ने आप जुमला आ गया मेरे लबों पे, मैं सैयदों का नौकर हूँ, माफी आपसे मांग की जुमला पढ़ रहा हूँ। छोटी सी जैनब ने नाना और माँ के मुंह से सुना हसन अमीर हुसैन गरीब, बच्ची के जहन में बैठ गई अल्लाह ने मुझे दो भाई दिए एक अमीर एक गरीब, नाना दुनिया से चला गया जैनब सोचती रही हसन अमीर हुसैन गरीब, माँ हाथ पहलू पे रख के दफन हो गई, जैनब सोचती रही हसन अमीर हुसैन गरीब है, 31 बरस बाद बाप मस्जिद में शहीद हो गया, जैनब सोचती रही हसन अमीर हुसैन गरीब है, 10 साल बाद हसन को जहर मिल गया, जैनब सोचती रही हसन अमीर।